कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला ट्राइमेस्टर पूरा कर लिया है प्रेगनेंसी का और अब आप आ गए हैं सबसे इजीएस्ट 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जो है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर। देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर जो है इसमें आप बहुत सारी जो आपको पहले मॉर्निंग सिकनेस वगैरह प्रॉब्लम्स थी आप उनसे सबसे छुटकारा मिल जाएगा आपको, और बहुत सारे नोटिसेबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपकी जो बेली है वो थोड़ी सी प्रोट्रूड हो जाएगी, या फिर आपको बेबी मूवमेंट स्टार्ट होगी, महसूस होगा आपको बेबी की मूवमेंट। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके साथ अच्छा ही हो, आप एक राइट डायरेक्शन में चले रहें, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ताकि वो राइट ट्रैक आप पकड़े रखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको अपना हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेनी है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होती है जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो इस टाइम पे आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जिसमें आप वेजिटेरियन जो लोग हैं वो सोया प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वो बीन्स ले सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोटीन के लिए। साथ में साथ आपको कैल्शियम भी ज़रूर लेना है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्व्स की ग्रोथ के लिए और साथ में बच्चे की बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए। कैल्शियम के लिए आपको डेली 600 ml मिल्क जरूर लेना है, साथ में आप डाइटरी प्रोडक्ट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। साथ में आपको कैल्शियम की टैबलेट भी ज़रूर लेनी है। आयरन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको एनीमिया ना हो और ना ही आपके बच्चे में खून की कमी हो। अगर आपको आयरन की कमी हो तो उससे बच्चे का वेट भी जो है वो कम होता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिए कि आयरन की टैबलेट भी ज़रूर लीजिए, साथ में अपनी डाइट में जो आयरन रिच फूड्स हैं उनको लीजिए, जैसे कि हमारा पालक हो गई या बैंगन हो गया या फिर रेड मीट हो गया, इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और आपको फाइबर रिच फूड ज़रूर लेना है, स्पाइसी फूड से ज़्यादा आप दूर रहिए, जो ये जंक फूड होता है इनसे भी आप दूर रहिए स्पाइसी फूड, क्योंकि क्या होता है प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको स्पाइसी फूड से एक तो दूर रखना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट को एक बारी में नहीं लेना, कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में आपको एक बारी में नहीं लेना, आपको थ्रू आउट द डे आप थोड़ा थोड़ा खाइए, ताकि वो इजीली आपको पच जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। साथ में इस टाइम पे क्या होता है कि फॉलिक एसिड जो डॉक्टर्स होते हैं उसको बंद करवा देते हैं और आयरन और कैल्शियम स्टार्ट कर देते हैं, तो आयरन और कैल्शियम आप लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे सिजेरियन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं, जिसके आपकी मसल्स हैं जो वो फ्लेक्सिबल होंगी, साथ में जो जेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकते हैं, जिनसे क्या होगा कि आपके बैक पेन की चांसेस कम हो जाएंगी, आपको स्टेमिना आपका बढ़ेगा और आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, और जो फिजिकल चेंजेस आने हैं आपकी बॉडी में लेबर के दौरान उसके लिए भी आपकी बॉडी हो जाएगी। आपको एक चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो ये सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, जो मिड टाइम होता है प्रेगनेंसी का, इसमें आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपके पेट पे दबाव पड़े, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना वेट भी गेन करना है। देखिए क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है, इसको प्रॉपर नरिशमेंट के लिए जो है वेट गेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में ही इस टाइम पे मिल्क प्रोडक्शन भी हो रही होती है आगे फ्यूचर की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उसके लिए भी क्या होता है उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है। लेकिन वो जो आपका वेट गेन है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बेबी जो आपका पर मंथ वेट है वो 2 kg अराउंड बढ़ना चाहिए। लेकिन वो एक चीज़ आप और ख्याल रखिए कि जो ये आपका वेट गेन हो रहा है वो जंक फूड खा के ना हो, वो हेल्दी डाइट कंज्यूम करके आपका वेट बढ़े। अच्छा, वेट गेन के साथ में आपको अपना रेगुलर चेकअप भी करवाते रहना चाहिए, महीने में एक बार आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंटली अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। देखिए जो ये टाइम होता है हमारा 18 से 20 वीक्स का जो टाइम होता है, इसमें आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्गर महसूस होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी मूवमेंट कम हो, आपको महसूस ना हो मूवमेंट, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, या फिर आपको लगे कि आपके हाथों पैरों में सोजिश है या फिर आपके मुंह पे बहुत ज़्यादा सोजिश हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आपके कंफर्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्या होता है हमारे जब सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो बढ़ रही होती है, जिसके कारण हमारे पेट पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। अब स्ट्रेच मार्क्स को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो खारिश होती है, इचीनेस होती है, उनको कम करने के लिए आप क्या करिए, उस पर आप मॉइस्चराइज करिए अपनी स्किन को, ताकि इचीनेस को थोड़ा कम करा जा सके। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब आप रेगुलर चेकअप के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने टेस्ट भी करवाने हैं। देखिए इस टाइम पे सेकंड ट्राइमेस्टर में 5th मंथ के अराउंड जो ये टाइम होता है 20 वीक्स का, इसमें हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे की हर एक डिटेल पता चल जाती है। मैं आपको अपना वाला दिखाती हूँ जो मैंने करवाया था जब मेरी 5th मंथ प्रेगनेंसी थी। ये देखिए ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए
इसमें आपको हर एक डिटेल का पता चल जाता है। ये देखिए, इसमें बच्चे की आपको लंग्स, किडनी, स्पाइन, ब्रेन सब कुछ बच्चे का नॉर्मल डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी है या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कितना बन रहा है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। इसमें ये देखिए, इस साइड ये अल्ट्रासाउंड होता है और दूसरी साइड ये पूरी डिटेल लिखी होती है। तो ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि अगर बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट वगैरह हो उसका पहले ही पता चल जाए। ये आप ज़रूर करवाइए, साथ में जो आपके नॉर्मल टेस्ट होते हैं, देखिए जैसे ये थायराइड का टेस्ट हो गया आपका, या फिर डायबिटीज़ का टेस्ट हो गया, ये आप साथ में ज़रूर करवाइए। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप खूब सारी शॉपिंग भी करिए, क्योंकि जो इस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी की शेप है जो वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो ही जा रही है। तो इस टाइम पे आपको क्या है, टाइट क्लोथ्स बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं, जिससे क्या होता है आपकी जो सर्कुलेशन है वो स्लो हो सकती है या फिर आपका बीपी वगैरह बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको लूज़ कपड़े पहने हैं ताकि आप बिल्कुल कम्फर्टेबल महसूस हो, तो आपको ऐसे मैटरनिटी क्लोथ्स लेने हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए हाई हील्स पहनना, सबको ही ज़्यादातर गर्ल्स को हाई हील्स पहनना अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम पे आपको अपना थोड़ा सा मन मारना होगा, हाई हील्स आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी है इस टाइम, क्योंकि आपका वेट गेन हो रहा होता है जिसके कारण गिरने का खतरा होता है अगर आप हाई हील्स पहनेंगे। तो आपको जब भी कुछ भी पहनना है अपने पाँव में तो आप फ्लैट ही पहनिए, कम्फर्टेबल हो जो जिस पर आपको पूरी सपोर्ट मिले आप ऐसा ही पहनिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आप ऐसी कोई भी गेम ना खेलें जिसमें गिरने का खतरा हो, जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, या फिर टेनिस हो गया, ऐसी कोई भी गेम ना खेलिए, हॉर्स राइडिंग हो गया, इस चीज़ का ख्याल रखिए ताकि कोई भी ऐसा काम ना आप कर लें जिसमें आपको खतरा हो मिसकैरेज का, ऐसा कुछ भी ना करें। नेक्स्ट चीज़ है कि डिप्रेशन से दूर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे या स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चे पे भी उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है, और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसके लिए मूवीज़ देख सकते हैं और कॉमेडी जो शोज़ आते हैं वो देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए, डिप्रेशन में रहना एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। ये मैं एक सीरीज़ पूरी चला रही हूँ इसकी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, आगे भी इसकी इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप कंटिन्यूटी में सारी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।